तो स्वागत आपका अपने चैनल जॉब की न्यूज़ में। तो दोस्तों, सुबह सुबह आपको थोड़ी सैड न्यूज़ ज़रूर मिली थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। आर्मी में तो भर्तियाँ पोस्टपोन्ड होती जा रही हैं, लेकिन और जो सेंट्रल और स्टेट की जितनी भी वैकेंसी आएंगी, हम आपको लगातार उनकी अपडेट देते रहेंगे। तो वैसे ही जो सबकी पसंदीदा नौकरी पुलिस की नौकरी अगर आप करना चाहते हैं ना, तो भाई आपके लिए भर्ती आई है। ठीक है दोस्तों, पुलिस की भर्ती आई है। कहाँ पे भर्ती आई है ये मैं आपको बताऊंगा। भर्ती आई है दिल्ली पुलिस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप भर्ती करना चाहते हैं ना, दिल्ली पुलिस, ठीक है दोस्तों, पुलिस में वो भी, तो भर्ती आई है दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस में अगर आप, और कौन सी ट्रेड की आई बात करते हैं, ट्रेड क्या होगी, अपने आर्मी वाले सभी बच्चे पूछते हैं भाई ट्रेड क्या होगा। ट्रेड होगा आपका भाई कांस्टेबल, कांस्टेबल ट्रेड की भर्ती है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं एज की। फटाफट, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे भर्ती को, पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा मैं आपको। पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कई बच्चे बोलते हैं भाई पहले क्वालिफिकेशन जल्दी जल्दी बता दो, फिर फुल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, कितनी वैकेंसी आई है, क्या कुछ आया है। ठीक है दोस्तों, फटाफट एक बार देखो। तो एज होती है आपकी 18 से 25 साल तक आपकी एज होती है। और हाँ दोस्तों, इसमें पहले पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है। ठीक है दोस्तों, पहले आपका एग्ज़ाम एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और फिर मेडिकल होगा। एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होगा, फिजिकल में आपको 1600 लगानी होगी, वो भी 6 मिनट में, और मेडिकल आपका जो पता ही है सब कुछ, फुल बॉडी चेकअप होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम का ये शेड्यूल है, सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, ओनली एक एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी आती है, इसके लिए मैं आपको पूरा फुल चार्ट पे लेकर चलता हूँ। अब सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं भाई नोटिफिकेशन कब आया, ये मोर देख सकते हैं आप, स्टैंप लगी हुई है 15 तारीख 7वां महीना 2020 को। ठीक है दोस्तों, और किसके रिगार्डिंग ये आया है, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया, सब्जेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल, एक्स सर्विस मैन हो गए और रेगुलर हो गए, मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2020, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली, अब की बार SSC दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो और एग्ज़ाम करवाती है, सबको पता होगा स्टाफ सिलेक्शन के बारे में। तो ये पूरा आप देख सकते हैं विद रेफरेंस हेडक्वार्टर लेटर नंबर डाल रखा है, ये कैटेगरी वगैरह डेट वगैरह होगी। अब देखो वैकेंसी देखो कितनी है, कॉन्स्टेबल मेल की ओपन में होंगी 1661 अनरिजर्व, UR की, EWS के 343, ये तो आप सब देख लोगे। टोटल में बता दूं आपको, ओपन की हैं 3433 वैकेंसियाँ। और जो एक्स सर्विस मैन जो रिटायर होके आ चुके हैं आर्मी से और पैरामिलिट्री फोर्सेस से, तो उनके लिए 243 वैकेंसी अलग से रखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, उनका फिजिकल क्राइटेरिया भी थोड़ा अलग से है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। टोटल वैकेंसी आपकी हो गई 1868। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे भाई मेल मेल की वैकेंसी है इसमें, तो मेल मेल की नहीं दोस्तों, फीमेल के लिए भी वैकेंसी है इसमें, ये फीमेल का देख सकते हो, फीमेल के लिए हैं 933 वैकेंसियाँ। ठीक है दोस्तों, अनरिजर्व के लिए, और ये और कैटेगरी 202, 387, 328, 94, टोटल फीमेल के लिए 1944 वैकेंसी, तो सारी टोटल वैकेंसी आ गई 5846 वैकेंसियाँ। तो दोस्तों आज के टाइम में, और जब फुल नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल साइट पर, तो कम से कम 7 से 8 हज़ार वैकेंसियाँ होने वाली हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने, 7 से 8 हज़ार वैकेंसियाँ। अभी ये नोटिफिकेशन है, अब आप पूछे ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन अप्लाई या तो जुलाई में लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन की डेट मिल जाएगी, क्योंकि प्रोसेस शुरू हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कई महीनों या सालों से भर्ती नहीं आई थी यहाँ पे दिल्ली पुलिस में, और अब की बार आनी है भर्ती, तो अब प्रोसेस चालू हो चुका है। जुलाई लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगस्त में आपके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करें। आप जिस वीडियो में देखोगे आपको कमेंट का हर एक का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर वहाँ पर ना मिले तो इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप मैसेज करो, कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा।
और बाकी रिलेशन भर्ती की बात है, लगातार डेली वीडियो आती रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।